बाबू दाई भैया हाथ पीछे करो। हम बलिया जिला से आए हैं, बलिया सिटी में रहते हैं और पड़ाव चौमारी से मोटर साइकिल टेम्पू चलाते हैं। पड़ाव चौमारी से टेम्पू चलाते हैं। इन्होंने 15,000 रुपये मांगा, 15,500 दे दिए, 2-3,000 रुपये का दवा भी दिए। सुबह जब पट्टी खुली 12 तारीख के बाद 13 को तो किसी को दिखाई नहीं दे रहा है। कितनी लोगों की छः आदमी का ऑपरेशन हुआ और 6 का जो है डेड है। आपका भी ऑपरेशन हुआ है? जी हाँ। दिखाई नहीं दे रहा आपको? कुछ नहीं। तो क्या कह रहे हैं डॉक्टर, क्या कह रहे हैं ये डॉक्टर? कह रहे हैं कुछ नहीं, आजकल किए लेके चले गए चंद्रा वाले के यहाँ, वो भी कुछ बताया नहीं हम लोग को। आज लेके गए वहाँ पे पढ़िया ना, तो क्या पता चला आपको क्यों नहीं दिखाई दे रहा? वो बता रहे हैं कि पीछे जो है अल्ट्रासाउंड उसका हुआ है, पीछे जो मवाद आ गया है, जो पीछे मवाद आ जाएगा तो कुछ होगा नहीं, तो दिखाई नहीं देगा। और हमारे यहाँ होगा भी 35,000 से 50,000 रुपये खर्चा लगेगा और कोई गारंटी नहीं है आएगा कि नहीं आएगा। पहले दिखता था आपको? हाँ, इसलिए हम गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी चला सोमवार को आया यहाँ से। क्या नाम है दादी आपका? मानती देवी। मानती जी, क्या हुआ है, कब ऑपरेशन कराए थे, क्या हो रहा है? दो दिन दिखाने आए रहे, तब फिर बोले कि तुम्हारा आँख पथरा गया है, आँख पथरा गया एक घंटा में, 8 दिन के अंदर बनवा लो। तब बोली कि 12 तारीख का है ना मंगलवार, आइए बनवा लीजिए, एक हफ्ता के अंदर आइए बनवा लीजिए। तो बनवाए थे, आप दिख रहा है कि नहीं? नहीं, आपकी रोशनी नहीं है आपकी? नहीं, कुछ नहीं दिख रहा है। पैसा भी लिया? कितना पैसा लिया गया? अपना पैसा लिया गया था आपसे? अरे सारे नहीं, सबका अलग अलग रेट है, 5,500। भाई मेरा भक्ति करा साथ में था, वो है नहीं। मेरा नाम अनीता केसरी है। क्या समस्या है आपकी माता जी के साथ? ये है कि हम अपनी मम्मी को लेके आए थे ऑपरेशन कराने के लिए, तो बोले ऑपरेशन हो जाएगा। जिस दिन ऑपरेशन हुआ उस दिन बोले कि पट्टी खुला, तो बोले कि आँख में रोशनी नहीं आया था, आँख में रोशनी नहीं आया तो बोले कि इन्फेक्शन हो गया, इन्फेक्शन में 2-4 दिन लगेगा। तो 4 दिन के बाद हम लोग वेट किए तो उसमें रोशनी नहीं आया, तो इसके बाद चंद्रा में ले गए ऑपरेशन दिखाने के लिए। चंद्रा भी वहाँ से दिखा के लेके आए तो फिर यहाँ फिर बैठा है 4-5 दिन, 6 दिन लग गया हम लोग को, 6 दिन लग गया। फिर आज लगे जांच कराने के लिए, तो बोले क्या कि आँख खराब हो गया है। प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई करिए? हाँ, आप प्रबंधक के खिलाफ कार्रवाई कीजिए और डॉक्टर के खिलाफ भी। और कितना पैसा देंगे हम लोग? 10-15,000 रुपया लग गया। 6 तारीख को भर्ती हुए हो? 11 तारीख को यहाँ कुछ मरीज लोकल और अन्यत्र जिलों से भी आए हुए हैं आँख का ऑपरेशन कराने के लिए। तो यहाँ संज्ञान में आया है कि जो ऑपरेशन हुआ है जिन आँखों का, सिंगल आँखों का हुआ, एक आँखों का, और मरीजों द्वारा और उनके परिजन तीमारदारों द्वारा बताया जा रहा है कि जो भी ऑपरेशन हुए हैं तो उन आँखों से दिखाई नहीं दे रहा है। तो उसके प्रति इन्होंने अपना नाराजगी व्यक्त किया है और बाहर हॉस्पिटल प्रशासन से बात किया है। तो अभी हम आए हैं तो इन लोगों से बात हुई है, जो अभी एक रवि करके यहाँ कोई हैं तो उनसे बात भी हुई है। तो उन्होंने कहा है कि भाई अगर इसमें समस्या आई है ऑपरेशन में, इस बात को समझ सकते हैं, तो आज रात तक, रात भर सवेरे तक स्थानीय जो भी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनको हम बुला करके और उनसे ट्रीटमेंट करवाते हैं सवेरे तक। अगर ऑपरेशन वाली जो आँख है उसमें अगर कोई रिस्पांस नहीं मिलता है तो फिर हम अपने स्तर से, अपने खर्चे से, और यहाँ एक कोई डॉक्टर साहब हैं जो दिल्ली से आते हैं, अब नाम हमको नहीं पता है, तो उनके पास इन सभी मरीजों को लेकर के मारवाड़ी हॉस्पिटल से संबंधित जो भी जिनको भेजें ये यहाँ से लेकर के दिल्ली जाएंगे और उनका ट्रीटमेंट करवाएंगे। तो ये लापरवाही मानी जा सकती है? इसमें अब ये तो डॉक्टरी रिपोर्ट के बाद अगर ये आती है, मतलब ये समस्याएं कि मतलब किस स्तर से ये लापरवाही हुई है, कि औजार से हुई है या दवा से हुई है या किस प्रकार से ये इंस्पेक्शन हुआ है या जो उनका नुकसान हुआ है आँखों का, तो इनके तहरीर के आधार पर और जो भी मतलब उसमें गलती पाई जाती है तो उनके आँखों का ऑपरेशन में, तो उस पर विधि कार्रवाई की जाएगी। परिवार वालों का आरोप है कि पहले दिखाई देता था, नहीं दिखाई देता? नहीं नहीं, जैसे पहले दिखाई देता था और जो भी समस्याएं आई होंगी उन समस्याओं के निदान के लिए इन्होंने आकर के यहाँ एडमिट हुए हैं और उसके बाद ऑपरेशन करवाए हैं। ऑपरेशन होने के बाद उनका कहना है और मरीज का भी कहना है कि ऑपरेशन वाली आँखों से इस समय दिखाई नहीं दे रहा है,
तो उसी पर इन लोगों ने अपना विरोध किया है। नहीं तो अब थोड़ा सा ये है कि अभी प्रशासन कह रहा है कि इसमें हम अपने स्तर से आज रात भर लोकल डॉक्टरों के द्वारा ट्रीटमेंट करवाएंगे और उसके बाद सवेरे अगर रिस्पांस नहीं मिलता है तो अपने स्तर से अपने मतलब मारवाड़ी हॉस्पिटल प्रशासन की तरफ से अपने खर्चे पर हम दिल्ली लेके जाएंगे यहाँ से रिफ़र करके और उसके बाद ट्रीटमेंट करवाएंगे। अगर इनके बाद ये सब के बाद अगर कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता है ऑपरेशन वाली आँखों को तो जो भी गलतियाँ पाई जाती हैं मतलब रिपोर्ट बाई डॉक्टर तो विधि कार्रवाई की जाएगी। अप्लीकेशन जो मिलते हैं तहरीर जो मिलेगी जो कानूनी कार्रवाई होगी लीगल तरीके से की जाएगी। आप यहाँ के प्रबंधक की मीटिंग है, ये मामला क्या है? जैसा बताया जाए 6 पेशेंट एडमिट थे, मोतियाबंद के ऑपरेशन हुए थे, उनकी आँख में रोशनी नहीं आई और डॉक्टर और जो हंगामा मचा रहे हैं और डॉक्टर सन्नी गुप्ता उसकी ट्रीटमेंट कर रहे थे, क्या है ये मामला? 6 मरीजों का ऑपरेशन डॉक्टर सन्नी गुप्ता द्वारा अस्पताल में 12 तारीख को मंगलवार को जो किया गया उसमें दूसरे दिन कुछ दिक्कत ऑपरेशन के बाद जो नहीं होनी चाहिए वो दिखलाई दी, समझ में आई तो उसको उसका उन्होंने इलाज शुरू किया। फिर उसके बाद उन्होंने अपने सीनियर हायर सेंटर पे बनारस में ही दूसरे डॉक्टर को सलाह करके वहाँ ट्रीटमेंट चालू किया। वहाँ का डॉक्टर भी कल हमारे यहाँ आकर के वहाँ के डॉक्टर भी आकर के कल हमारे यहाँ देख करके मरीजों को गए, उससे कोई संतोषजनक स्थिति नहीं बनी तो आज फिर हम लोग स्पेशलिस्ट रेटिना स्पेशलिस्ट को भी हम लोगों ने उनको रेफ़र किया था, वहाँ भी गए थे, वहाँ भी इलाज वगैरह जांच वगैरह हुई है। अब डॉक्टरों सीनियर डॉक्टरों से हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अगर इसमें जो भी चीज़ें इन मरीजों की आँखों को आँखों की रोशनी को वापस लाने के लिए हर संभव हम लोग पूरी चेष्टा करेंगे क्योंकि किसी भी रूप में जितना हम कर सकते हैं हम जरूर करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अभी जो हुआ है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। जैसे मैं आया यहाँ के जितने पेशेंट आपके एडमिट थे उन लोगों को बेड आपके गलत है, अगर ऐसा है तो ये गलत है ना। आपकी नर्स हम लोगों ने पहुँचा, आज मेरी टीम पहुँची, आपकी नर्स वहाँ से भाग चुकी थी, कंपाउंडर भाग चुके थे, पेशेंट को देखने वाला नहीं था। ये गलत है, अगर ऐसा हुआ अभी हमने आपके सामने उनको इंस्ट्रक्शन दिया है होल नाइट वो पूरा संभालेंगे, जो दवा है जो भी ट्रीटमेंट है जो भी सारी चीज़ें हैं वो पूरा देखेंगे, उसमें कोई आगे लापरवाहियाँ हो चुकी हैं मगर उसमें दोषी के खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, पिसते मरीज हैं। लापरवाही नहीं बोल सकते, अभी इस तरह की घटनाएं घटी हैं तो इसको आप बोल सकते हैं लापरवाही, हम अपने भाषा में लापरवाही इसको अस्पताल जानबूझ के या डॉक्टर से पहले भी ये दूसरी तीसरी घटनाएं आपको लेकर हमारे अस्पताल में हो सकता है, हो सकता है तो इस पर किसी कोई कार्रवाई नहीं होती, सारा मामला कार्रवाई की जाएगी, कार्रवाई की जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। अब क्या आश्वासन माना जाए आपका कि आपकी कार्रवाई होगी दोषी के खिलाफ? निश्चित रूप से कार्रवाई होगी, अगर कोई दोषी होगा जांच करेंगे, कार्रवाई निश्चित रूप से करेंगे, वो तो सेकेंडरी है, सबसे पहला काम अभी हमारा ये है कि मरीजों की आँख की रोशनी आए, कार्रवाई तो हम करेंगे ही करेंगे, वो तो कहीं भागी नहीं जाएगी, लेकिन अभी जो फर्स्ट प्रायोरिटी हमारे लिए मरीज है, सबसे जो उनकी परेशानी है, जो उनकी आँख की रोशनी नहीं चली गई, रोशनी को आप प्रयास करके लावे, इनको जहाँ दूर दूर से एकदम नहीं होगी, अपने भर से पूरा प्रयास यही है हमारा पर्सनली और हमारी संस्था की तरफ से, हम दोनों की तरफ से यही प्रयास होगा कि इन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या आप ये मुझे बता रहे हैं कि आपके जो एम्प्लॉई हैं नर्सें हैं कंपाउंडर? हाँ, वो पूरा कहीं नहीं जाएंगे, पूरा संभालेंगे, जो डायरेक्शन है गाइडलाइन ट्रीटमेंट है वो पूरा वो संभालेंगे, उसको देखेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। मारवाड़ी हॉस्पिटल में किस तरह की घटना हुई है मरीजों के साथ? मारवाड़ी अस्पताल में 12 तारीख को डॉक्टर सनी गुप्ता द्वारा एक जो है सर्जरी किया गया मोतियाबिंद ऑपरेशन में 6 मरीजों का, जिसमें उनमें जो अभी उनकी शिकायत आई कि उनकी जो रिकवरी लाइट की जो रोशनी की जो मिलना चाहिए उसमें दिक्कत हो रही है, नहीं मिल रही पूरी तरीके से, तो संज्ञान में आते ही कल मैं और एडीएम सिटी और हमारे दो आई सर्जन जो है साथ साथ हम लोग जाकर के परीक्षण किए, एक मरीज उसमें पूर्णतया ठीक था, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं थी सामान्य की तरह जैसे पोस्ट ऑपरेटिव होता है, और बाकी 5 मरीजों में रोशनी थी लेकिन पूर्णतया जो है रोशनी जितनी अच्छी रिकवरी होनी चाहिए उतना नहीं था, तो उसके लिए हम लोगों ने जब पूछताछ किया उनके द्वारा बताया गया कि इसमें आई में संक्रमण हुआ है, पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन हुआ है, तो उसके लिए बेस्ट पॉसिबल ट्रीटमेंट एंटीबायोटिक उन्हें दिया जा रहा है और हम लोगों ने उनसे निर्देशित किया है कि उसको बेहतरीन डॉक्टर से पहले इसकी रोशनी रिकवर करने के लिए
इलाज कराएं और अगर आवश्यकता पड़ती है तो निःशुल्क इनका जो भी सर्जरी वगैरह कराना होगा उसका वे लोग करवाएंगे। और इसके लिए डॉक्टर आर के ओझा जो यहाँ के प्रसिद्ध नेत्र सर्जन हैं और जो आई सर्जरी भी करते हैं उनके द्वारा कार्रवाई की जा रही है और मरीजों को वहाँ पर ले जाकर के सर्जरी की प्लानिंग की जा रही है। सर क्या प्रथम दृष्टि क्या लगता है? प्रथम दृष्टि पोस्ट ऑपरेटिव इन्फेक्शन लग रहा है, हम लोगों ने देखा तो उसमें इन्फेक्शन के साइंस वगैरह थे। तो अब उसके लिए हमने एक चिकित्सकीय मेडिकल बोर्ड बना करके उसकी जांच करवा रहे हैं, जिस लेवल पर जो कमी है उसके खिलाफ निश्चित रूप से विधिक कार्रवाई की जाएगी। सर मरीज के परिजनों का आरोप है कि पहले तो पैसा लेके ऑपरेशन किया गया, उसके बाद अभी फिर से इस तरह की समस्या आने के बाद फिर पैसा मांगा जा रहा है। मैंने जब उनसे पूछताछ किया तो कह रहे थे अब जो भी हम इनकी सर्जरी करवाएंगे उसका वहन मारवाड़ी अस्पताल करेगा, खर्च का वहन।